बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शहर अरुण किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बकरे के सिर और पाए। इसे सिरी पाए भी कहते हैं और लखनऊ में सिर को कल्ला कहा जाता है। तो बहुत से लोगों को ये बनाना नहीं आता है, इसलिए आज मैं आपको ये सिखा रही हूँ। हमारे पास ये एक बकरे का सिर है और पाए हैं। इसको मैंने एक घंटे तक भिगो दिया था और भिगोने के बाद मैंने इसे 6-7 पानी से वॉश कर लिया है और इसको डलिया में रख दिया ताकि इसका एक्सेस पानी जितना भी है वो निकल जाए। इसके बाद इसमें ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करे जाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्याज और एक लहसुन और कम से कम 3-4 इंच का टुकड़ा अदरक का होगा उसको मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है। मसालों में मैंने यहाँ हल्दी थोड़ी इसमें ज़्यादा जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, नमक मैंने 1/2 चम्मच ही लिया है क्योंकि अभी मैंने नमक इसमें कम रखा है, और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ धनिया लिया है। इसके बाद मैंने ये थोड़ा सा होममेड गरम मसाला लिया है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। कुकर में हमने इस चम्मच से नापकर सिर्फ 1 ही चम्मच तेल डाला है क्योंकि इसमें चर्बी होती है और वो भी अपना चर्बी को एक्सेस करेगी तो ज़्यादा ही तेल हो जाएगा। सबसे पहले तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, हम इसमें कल्ला अच्छी तरह से चला लेते हैं। इसके बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और ये सारा जितना भी सूखा मसाला लिया है ये सब भी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। ये जो हम कल्ला पाए बना रहे हैं ये स्लो फ्लेम पर जितना धीरे धीरे पकता रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इसमें 1 ही सीटी लेंगे और 1 सीटी लेने के बाद हम इसे भगोने में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि ये जितना धीरे धीरे पकेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 सीटी हमने सिर्फ यहाँ पर टाइम और गैस बचाने के लिए ली है, वरना अगर आप लोग चाहें तो इसका पूरा प्रोसेस भगोने में ही कर सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा ही पानी ऐड करूंगी, 1/2 कप करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसको हम 5 मिनट तक मसाले में भुन जाने देते हैं, उसके बाद हम इसमें सीटी लगाएंगे। सीटी पाए को भुनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट भुनने से क्या होता है, जो अगर मसाले में भूनते हैं तो इसकी जो बेसेंद होती है वो निकल जाती है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, सिर्फ इतना ही ऐड करेंगे गलाने भर कर, और इसमें 1 सीटी लगा देते हैं। 1 सीटी बाद हम इसको किसी चीज़ में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि ये धीरे धीरे पक के बहुत अच्छा बनता है। कुकर में 1 सीटी आ गई थी और हमने इसको निकाल लिया है। अभी हमें पहले इसे भूनना है क्योंकि हमने जितना पानी डाला था उसमें से पानी अभी इसमें है, तो पहले अभी हम इसे भून लेते हैं। जब ये बिल्कुल भून जाएगा तो जितना हमें सालन रखना है उतना हम इसे पतला रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। अभी हमें इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करना है,
गैस का फ्लेम अभी हमारा फुल है। भूनते हुए इसे कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। सारा पानी हमारा अच्छी तरह से सूख गया है और तेल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। ये देखिए बिल्कुल सेपरेट तेल हो गया है, इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसे जितना भी पतला रखना चाहें, जितना आप अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आप खाते हो उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दिए। इसमें हम थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी कि आप कितना पानी इसमें रखना चाहते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे गरम मसाला इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर से इसे अच्छी तरह से चला देती हूँ और कम से कम इसमें मैं एक गिलास पानी डालूँ, क्योंकि ये ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है। जितना ये भुना भुना होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी, जितना भी यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं एक गिलास पानी ऐड करती हूँ। यहाँ पर हमने इसमें एक गिलास पानी ऐड कर दिया है और ये ज़्यादा पतला भी नहीं है। अभी हम इसे कम से कम 20 मिनट तक के लिए पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, क्योंकि स्लो फ्लेम पर जितना ये पकेगा उतना ही ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसे हम कम से कम 20 मिनट के लिए हमें पकाना है और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। हर 5 मिनट बाद हम इसे चला देंगे ताकि हम ये नीचे से बिल्कुल भी जले नहीं। स्लो फ्लेम पे पकते हुए इसे कम से कम 10 मिनट हो गए हैं और अभी हम इसे कम से कम 10 मिनट और पकाएंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाए। कल्ले को पकते हुए कम से कम 20 मिनट हो गए हैं और बस अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसका सालन भी बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। इसको अभी हम ढक देते हैं और 5 मिनट बाद हम इसे डिश आउट करेंगे, क्योंकि अभी इसमें बिल्कुल भी ऊपर तेल नहीं आया है, लेकिन इसे जब हम ढक देंगे तो 5 मिनट के अंदर वो भी आ जाएगा। तो 5 मिनट बाद हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, कितनी आसानी से हमारे सिरी पाए बनकर तैयार हो गए हैं। सिरी पाए में ज़्यादा मसाला भी नहीं लगता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मसालों की ज़रूरत नहीं होती, इसमें खुद ही एक अच्छा सा टेस्ट होता है। तो मुश्किल से इसे बनने में 1 घंटा लगा होगा। इसे आप मेरी तरह बनाएं और एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये डिश पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। मेरे चैनल को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमें दुआ में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।